उन कामों को पूरा करने की जिम्मेवारी अब जायदा की है। इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि चौधरी साहब ने जो हमें बोलावन दी, मैं उनके दाह संस्कार में भी आया था, जब उनके इंतकाल हो गया तब भी मैं आया था। तो इस प्रकार से हमारी तो जिम्मेवारी बनती नैतिक रूप से भी, हम कैसे जायदा को समर्थन दें, सहयोग करें और आपके विकास में भागीदार बने। और आप निश्चित रहना कि हमें पता है कि मेवात का एक लंबा इतिहास रहा है। मेवात के बारे में सब लोगों के मन में मान सम्मान अलग तरह का है देश के अंदर। जब आजादी के बाद में जो हिंदुस्तान पाकिस्तान बने थे, तब भी आप लोगों ने बड़ा दिल दिखाया और आप लोग अपनी सच जमीन पर रहना आपने पसंद किया। और पूरे देश का कर्तव्य है कि वो मेव और मेवात के लोगों का विशेष ख्याल रखें, इसमें कहने का फिक्र है। उसी रूप में शीतल साल से हमेशा, चाहे पंडित नेहरू थे चाहे इंदिरा गांधी जी थी, कोई प्रधानमंत्री बने हो, लाल बहादुर शास्त्री जी बने हो चाहे राजीव गांधी बने हो, हमेशा ध्यान रखा भाई किस प्रकार से ये क्षेत्र प्रगति करे। फिर भी मुझे भी इस बात का साथ है, मेरे तमाम साथियों को है कि प्रगति जितनी होनी चाहिए उतनी प्रगति मेवात की नहीं हो पा रही। और मेरा मानना है कि अब जमाना बदल गया। राजीव गांधी जी ने जो कहा था कि मुल्क को ले जाना है 21वीं सदी के अंदर, उनका सपना था, लोग समझ नहीं उस वक्त तो क्या कहना चाहते हैं। अब जब कंप्यूटर आ गए, इंटरनेट आ गए, मोबाइल फोन आ गए, एक बटन दबाओ 10 बटन दबाओ, पहले तो भरपूरी बात नहीं होती थी, जयपुरी बात छोड़ो, अब तो 10 मिनट दबाओ तो आप जयपुर, दिल्ली, बंबई, लंदन, अमेरिका कहीं बात कर लो। इतनी क्रांति हो चुकी है दुनिया के अंदर, पूरी मोबाइल के अंदर इंटरनेट के माध्यम से आप पूरी दुनिया में क्या हो रहा देख सकते हो। हमारी ये मीटिंग हो रही है, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान कोई भी देख सकता है। ये जो हमारे टीवी वाले लोग हैं, अगर ये चाहें तो कहीं दिखा सकते हैं। मोबाइल वाला खड़ा होकर के भाई लोग मोबाइल से दोस्त लोग ले रहे हैं, मेरी स्पीच टैप को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये चाहे तो कहीं दुनिया देख सकती है। ये फेसबुक और इंटरनेट सब कुछ संभव होगा, इससे बड़ी क्रांति क्या होगी। पर जो मैं कहना चाहता हूं आपको, मेवात पीछे क्यों है और इसका इलाज आधा सरकार के पास में आधा आपके पास में। जब तक तालीम नहीं होगी तब तक कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती। ये गांठ बांध लो दिमाग के अंदर, कोई कौम, कोई जाति, कोई धर्म हो, चाहे हिंदुओं के हो, मुसलमान हो, जैन हो, फारसी हो, कोई हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि तालीम के बगैर नॉलेज इज पावर। जिसके पास ज्ञान है वो ताकतवर है आज के इस युग के अंदर, विज्ञान के अंदर। और तालीम की मैं समझता हूँ कि यहाँ कमी रही हमेशा। इसलिए पिछली बार जो जायदा ने मांगे हमें काम, उसमें 2 कॉलेज मांगे, हम 1 कॉलेज भी राजस्थान भर में के दे ही नहीं रहे थे। पहले 4 साल निकाल दिए, 1 कॉलेज का खर्चा बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, और हमने कहा भाई ये बस की बात नहीं। देने लगे तो 2 कॉलेज इसलिए दी क्योंकि मेवात के अंदर शिक्षा और तालीम पे जोर देना चाहती सरकार खुद भी। मेवात बोर्ड बनाया तो मैंने 10 करोड़ से सीधा 60 करोड़ किए मेवात बोर्ड के विकास। 4 करोड़ से 60 7। हाँ, 4 करोड़ 60 का 4 करोड़ 60 करोड़ किए, मैंने 60 करोड़ किए, 60 करोड़ किए, 50 और 10 60। 60 करोड़ किए हम लोगों ने, आप कल्पना करो। इसके माने क्या हुआ? इसके माने दिल में भावना थी कि मेवात बोर्ड के माध्यम से विकास तेज गति से हो। ये देंगा योजना ने बनाई तो 100 करोड़ 200 करोड़ कर दिए हम लोगों ने। माइनॉरिटी के लिए राजस्थान भर में मैंने 200 करोड़ किए, उसी ढंग की देवना योजना की तरह मैंने योजना बनाई। पर आप दुर्भाग्य देखिए, पुरानी कहावत है कि हाकम बदल जाता हुक्म नहीं बदलता था। पहले आजादी के पहले जब ये विश्वनाथ सिंह जी के राज था, राजा महाराणाओं का, तो कहावत थी कि हाकम बदल जाता है हुक्म नहीं बदलता है। सरकार बदल जाती है पर जो हुक्म पहले हो गया वो बदलना नहीं चाहिए। जब विकास निरंतर रहता है वो बदलेगा तो विकास रुक जाएगा। पर आप दुर्भाग्य देखिए, सरकार बदली
और वो पता नहीं पैसा कहां चला गया। 200 करोड़ लिए पूरे माइनॉरिटी के लिए अलग से मैंने, इस 60 करोड़ के अलावा वो क्रॉस जीरो। क्या बताया आपको, पता 50 बातें बताने की है। अभी सचिन पायलट जी ने, पांडे जी ने नक्शा खींच दिया आपके सामने, देश कहां जा रहा है। आज लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है और देश को खतरा है। ये पंडित नेहरू थे जिन्होंने आधार ढांचा रखा देश का, उस पर आज हम खड़े हैं। बड़े बड़े कलकारखाने, इस्पात के भी बांध बड़े बड़े बना दिए, तब जाके आज मुल्क आत्मनिर्भर बना। इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति करी, बांग्लादेश का उदय हुआ, 90,000 उनके सैनिक और जो थे उन सब ने सरेंडर किया। पाकिस्तान का जो झगड़ा था आपको वो मालूम है क्या हुआ उस वक्त में, खालिस्तान नहीं बनने दिया, इंदिरा गांधी की जान चली गई जो महान नेता थी देश की दुनिया की। इस प्रकार से कांग्रेस ने एकजुट रखा देश को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फारसी जैन कोई भी हो सबको साथ लेके चलती रही कांग्रेस आज तक इतिहास के अंदर। और ये लोग जानबूझ करके कांग्रेस को बदनाम करने के लिए कई जुमले बोलते हैं, कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी बन गई है। अब बताइए आप, ये शोभा देता है इनको बोलना कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे हम लोग। अरे कांग्रेस मुक्त तो कभी बनेगा नहीं, छत्ते में जाए नहीं आए हो, पर कांग्रेस की चौकियां भाई, ए भाई जाओ, सत्ता की चौकियां जो है वो गांव गांव में आज भी है पूरे देश के अंदर। ये कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे, कांग्रेस कभी मुक्त नहीं होने वाली भारत से। ये हालात है, इन हालातों के अंदर ये मुल्क चल रहा है। मोदी जी को मुझे कभी नहीं निकला कि यहां किसने क्या काम किया, 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने, कुछ नहीं किया। आप मेवात के लोग बैठे हुए हो, जो पुराने लोग बुजुर्ग हैं उनको मालूम है कि मेवात क्या था, पहाड़ी क्या थी, कामा क्या था, भरतपुर क्या था जब आजादी हुई। ना बिजली थी, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना सड़कें, ना पानी, कुछ भी नहीं था। आज तो 34 साल के जमाने के अंदर हम लोगों ने कोशिश की तो गुड़गांव कहना से पहाड़ी पानी पहुंचा था उस वक्त में। आगे का काम जो होना था घीमड़ी गांव में, उसमें खुद आया था और कच्ची नहर बनाई उस वक्त में, बाद में पक्की बनी थी वो। चंबल से पानी ला, पहाड़ी पानी लाने का कार्यक्रम चल रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट तो हमेशा, अभी पानी का संकट आने वाला है गर्मी में, तो जायदा जी ने अपने अकल औसरी से 8 ट्यूबवेल मंजूर करवा दिए, 8 ट्यूबवेल कामा के अंदर, कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। तो ये तो एक तरफ है जब कांग्रेस कुछ काम कर सकती है, करना जानती है, शासन करना जानती है। ये लोग जो हैं, ये जिस रूप में पेश आ रहे हैं, घृणा का माहौल है, अशांति का माहौल है, हिंसा का माहौल है, निर्दोष लोग मारे जाते हैं लीची के नाम पर, गाय के नाम पर। क्या एक इंसान का मरना किसे कहते हैं। पहले वसुंधरा जी थी तो 90 किसान मारे गए थे राजस्थान के अंदर, 21 बार फायरिंग हुई थी उस वक्त में। चित्र तो गुजर मारे गए थे, फिर भी पता नहीं दूसरी बार कैसे मुख्यमंत्री बन गई मोदी के नाम से। हमने इतने अच्छे काम किए, मैंने कहा कि सरकार हमारी बनेगी, हमें पूरा विश्वास था। पर ऐसा माहौल बनाया एक बार तो झूठ के सहारे, झूठ के जुमले बोल के काला धन लेके आएंगे, महंगाई कम हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या कहा गया। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे प्रतिवर्ष, नौजवानों को, सब लोग उनके चक्कर में आ गए और सरकार हमारी नहीं बनी, दिल्ली में भी नहीं बन पाई, यूपी गवर्नमेंट थर्ड नहीं बन पाई। पर यूपी ने काम करने में कसर नहीं छोड़ी उस वक्त में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने जो फैसले किए हैं, अधिकार आधारित युग की शुरुआत करी उन्होंने। पहली बार सूचना का अधिकार कानून बना के पार्लियामेंट का, नरेगा कानून के अंतर्गत काम मिलेगा ही मिलेगा आपको, 100 दिन का आपको अकाल पड़ेगा, 150 दिन का मिलेगा, ये कानून का अधिकार मिलेगा आपको। 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल मिलेगा, तो कानून बन गया पार्लियामेंट का, अब कोई बंद नहीं कर सकता, वो गवर्नमेंट ने किया। शिक्षा का अधिकार कानून बना दे पार्लियामेंट से, ये अधिकार आधारित युग की शुरुआत सोनिया गांधी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने करी। अब राहुल गांधी ने क्या कहा है, हम लोग
चाहे न्यूनतम इनकम हो सबकी देश के अंदर, क्रांतिकारी बात करी उन्होंने, पूरा देश जो है कम से कम न्यूनतम इनकम होनी चाहिए। ये तो बड़ा काम है। स्वास्थ्य का अधिकार मिले, जैसे हमने दवाएं फ्री करी राजस्थान में, राहुल जी बहुत इम्प्रेस उस बात से, राजस्थान सरकार ने उस वक्त में दवाएं फ्री, जांचें फ्री, खून की जांच फ्री, डायलिसिस फ्री, सोनोग्राफी फ्री कर दिए बुजुर्गों के लिए। हमने एसएमएस के अंदर तो चाहे वो सीटी स्कैन हो चाहे वो एमआरआई, जब 5-6 हजार लगते बाहर, 8 हजार लगते हैं वहां, फ्री कर दिया। इस प्रकार से हम लोगों ने काम किया। अब राहुल गांधी चाहते हैं पूरे देश के अंदर स्वास्थ्य का अधिकार हो, हर व्यक्ति जो जिंदा है उसका हेल्थ का अधिकार को मिले, मेरी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, मेरा इलाज फ्री कैसे हो, कैसे कम पैसे में इलाज हो। आज प्राइवेट अस्पताल जाते हैं 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख पता नहीं कितने का बिल बनता है, कितने गरीब अपने गहने बेच देते हैं कि माँ बाप को जिंदा रखने को, मालूम है मेरा बाप मरेगा तभी मेरा फर्ज बनता है कि मैं अंतिम सांस तक इसकी सेवा करूं, इसका इलाज करवाऊं। उसके लिए जान लगा देता है, मकान गिरवी रखता है, बेच देता है, गहने बेच देता है, इतना खर्चा होता है हेल्थ ठीक रखने का। राहुल गांधी ने कहा हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य सेवा का अधिकारी मिले हम लोग, और हमारे रघु शर्मा जी हेल्थ मिनिस्टर है, इन्होंने राजस्थान में काम शुरू भी कर दिया कि किस प्रकार से ऐसा एक्ट बने, राजस्थान सरकार बनाए, जल्दी बनाए, हम चाहते हैं जल्दी। नौकरियों महिलाओं को आरक्षण मिले बड़े रूप में, वो उनकी सोच है। किसानों की ऋण माफी की बात की, हमने एक झटके में कर दिया, कॉपरेटिव कर दिया है, भूमि विकास बैंक ने कर दिया, कई लोगों की ऋण जो रहन जमीन रखी हुई है वो छूट जाएगी और कर्जा माफ हो गया। अब 2 लाख के कर्जे की बात में की कॉमर्शियल बैंकों की थी, बैंकों से बात चल रही है क्योंकि बैंक के कॉमर्शियल बैंक हैं वो है, उनसे बातचीत चल रही है, हम उम्मीद करें जल्दी है क्योंकि चुनाव आ गए, आचार संहिता लागू हो गई तो अभी तो कुछ हो नहीं सकता, पर हम चाहेंगे उनके कर्जे 2 लाख तक के माफ हो जो तकलीफ के अंदर। इस प्रकार से सरकार पूरी तरह लगी हुई है, पर जो आज घृणा का और नफरत का माहौल है, राहुल गांधी चाहते हैं प्यार से मोहब्बत से भाईचारे राजनीति करो, तुम्हारी जगह तुम हो, हमारी जगह हम हैं, ये लोकतंत्र है, फैसला आपको करना है। मोदी जी और उनके साथी ये कभी नहीं कहते कि पहले मैंने क्या बोला था, उनकी पोल खुल जाए, पहले बोला हुआ अगर मान लीजिए आप सुन लो, कोई दोस्तों ने सुना भी होगा सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया में उनकी स्पीड आती भी है, पहले आतंकवाद की घटना हो गई वो क्या बोले थे वो सुन लो आप, तो कांग्रेस को अभियान चलाने जरूरत नहीं पड़े, पूरी पोल ऐसी खुल जाए उनकी। इतने असत्य बोल के जुमले बोल करके उन्होंने सत्ता हत्या ली और 5 साल तक कोई काम नहीं हो पाए। इस चुनाव में उनको चाहिए था कि भाई मैंने 5 साल में ये काम किया, ये काम मैं नहीं कर पाया, बताना चाहिए जनता को, और अगले मैं 5 साल में ये काम करना चाहता हूं, आप मुझे वापस एक बार प्रधानमंत्री बनाओ। उस पर बहस नहीं हो रही है, अभी सचिन पायलट जी कह रहे थे आपको, आज जो संकट में है, तकलीफें हमें पानी की, बिजली की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की और कोई दवाइयों की, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है कि हम क्या करना चाहते हैं, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। बात कर रहे खाली किस प्रकार से हम सत्ता हत्याएं वापस, पहले जुमले बोले गए थे अच्छे दिन आएंगे, आए अच्छे दिन किसी के, 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, किसी के आए खाते में, आए किसी के नहीं आए, देखो आप सवाल करेगा आने वाले भी नहीं। पर जो लफाजी हुई उस वक्त में, बड़े बड़े वादे किए, अब उनकी पोल खुल चुकी है, अब वो हिंदुत्व की बात करते हैं, हम लोग हिंदू नहीं है, अरे हिंदू है मुसलमान है, अपना अपना व्यक्तिगत धर्म है, हर धर्म के लोगों को यही सिखाया गया है आप सब धर्मों का आदर करना, सम्मान करना सीखो खुद के धर्म के साथ में, ये स्थिति है। परंतु वहां ये स्थिति नहीं है, वो तो चुनाव जीतने के लिए इनको राम मंदिर याद आता है चुनाव के वक्त में, वरना भूल जाते राम मंदिर, ये इनकी स्थिति है। इसलिए मैं आपका आह्वान करूंगा, आगाह करूंगा, देश की स्थिति नाजुक है, एक एक वोट कीमती है, एक वोट चुनाव हार जाते कई बार, वाजपेयी जी गवर्नमेंट थी एक वोट चली गई, भारत सरकार एक वोट चली गई थी, वापस चुनाव है 10 महीने के अंदर, 12 महीनों या जो भी था, 1 साल 4 साल, आप बताइए, एक वोट से भारत सरकार चली गई, एक वोट से डॉक्टर सीपी जोशी थे हमारे, अभी जो
अध्यक्ष बने विधानसभा के, वो चुनाव हार गए नाथद्वारा, एक वोट से हार गए थे। एक वोट कितना कीमती आप समझ सकते हो। कृपा करके जो यहां बैठे हुए खड़े हो, हमें बहुत खुशी एक जायदान है, एक दिन के अंदर आप खरब को इतला भी कर दी, दावत दे दी और आप यहां पर हाजिर हो गए। ये आपका प्रेम, आपकी मोहब्बत हम लोगों की प्रति है, इस कारण संभव हुआ, इस कारण संभव है। हमें इस बात का एहसास है। टाइम हो रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाता बाद में, तो लंबी बात करने का आवश्यकता नहीं। आपको मैं आह्वान करूंगा, कृपा करके इस बार ये आपके महाराज साहब बैठे हुए हैं कृष्ण सिंह जी और बाकी मंत्री लोग बैठे हुए हैं, सब लोग मिलकर के भरतपुर की सीट राहुल गांधी को चाहिए, दिमाग रखा ये सीटें हमारे लिए। और इसीलिए तीन तीन मंत्री बन गए आपके जिले, तीन तीन मंत्री बन गए हैं, जो पहले मंत्री नहीं थे। कभी कृष्ण सिंह जी रतन जी जीते गए थे आपके हाथ से, आपने कामना किया। अब तीन तीन मंत्री है और फिर सीटें निकलेंगे, कभी हो नहीं सकता। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप इस चुनाव में भारी बहुमत से सीटों जीताओ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा शेर सिंह जी से कि सम्मानीय सीएम साहब का, पायलट साहब का, पांडे साहब का मसूद की माला पहना के स्वागत करें और उसके बाद 51 किलो की माला जो है सम्मानीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दरअसल संबोधन के बाद ये देखिए, सम्मान किया जा रहा, हल भेंट किया जा रहा प्रतीक चिन्ह के तौर पर, और साफ तौर पर उन्होंने अपील की है कि तीन तीन मंत्री इस संभाग से होने के बावजूद अगर यहां पर फिर भी सहयोग नहीं मिलता है तो अच्छी बात नहीं है, इसलिए ये सीट कांग्रेस के खाते में जानी चाहिए। तमाम चीजों का जिक्र किया, पिछली सरकार समेत मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया और ये देखिए आप, भव्य स्वागत किया जा रहा है डिप्टी सीएम सीएम दोनों का।